साथियों, बुरी तरह हार देख करके सपा बसपा सहित ये तमाम महामिलावटी आज पूरी तरह से पस्त है। याद कीजिए, इन्होंने मोदी हटाओ के नाम से चुनाव अभियान शुरू किया था। बंगलुरु में एक मंच पर आके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री पद की बात आई तो सब अपना अपना दावा लेकर अपनी अपनी डफली बजाने लग गए। कोई 8 सीट वाला, कोई 10 सीट वाला, कोई 20-22 सीट वाला, कोई 30-35 सीट वाला भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन देश ने कहा फिर एक बार। भाइयों और बहनों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देश को कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने की न इन्होंने जरूरत समझी, न ताकत थी और न जवाब दे पाए। ये देश को नहीं बता पाए कि 21वीं सदी के भारत में स्थिर सरकार कैसे देंगे। ये देश को नहीं बता पाए कि दर्जन भर चेहरों का स्वार्थ देश हित में कैसे हो सकता है। ये देश को नहीं बता पाए कि साल 6 महीने में ही सरकारें गिरती रहेगी तो देश का भला कैसे होगा, गरीब का भला कैसे होगा, विकास कैसे होगा। ये देश को नहीं बता पाए कि इनके विकास का मॉडल क्या है। ये देश को नहीं बता पाए कि राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद पर इनका क्या कहना है। भाइयों और बहनों, इन्होंने सिर्फ झूठ, अफवाह और गाली गलौज का मॉडल इस पूरे चुनाव अभियान में देश के सामने रखा है। इन्होंने सिर्फ जातिवाद का मॉडल आप सबके सामने रखा है। इन्होंने सिर्फ उनका मॉडल डर का मॉडल रखा है, डराने का, भय पैदा करने का। इन्होंने सिर्फ विरोध का मॉडल देश के सामने रखा है। सोचिए, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध कोई कारण बनता है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने का कारण बनता है क्या? ये तो शहीदों की धरती है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले विरोधी शहीदों का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एयर स्ट्राइक का विरोध क्या उचित है? एयर स्ट्राइक का विरोध उचित है? सेना के पराक्रम का विरोध उचित है? घुसपैठियों की पहचान का विरोध करना, नागरिकता कानून का विरोध करना, 3 तलाक कानून का विरोध करना, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध करना, लोकपाल की नियुक्ति का विरोध करना, शत्रु संपत्ति कानून लागू करने का विरोध करना और कदम कदम पर मोदी का विरोध करना। जबकि आपका ये सेवक भारत को विकसित और वैभवशाली बनाने का मॉडल लेकर आपके बीच में पिछले 5 साल से जी जान से लगा हुआ है।